नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। नोएडा में तमाम नियम कानूनों व संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर गरीब रेहड़ी पटरी दुकानदारों को कुचल रहा है, जिसके विरोध में नोएडा शहर के पथ विक्रेताओं ने पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन संबद्ध CITU के बैनर तले यूनियन की अध्यक्ष पूनम देवी, महामंत्री व C2 जिलाध्यक्ष गंगेश्वर दत्त शर्मा के नेतृत्व में नोएडा भाजपा विधायक माननीय पंकज सिंह के कार्यालय सेक्टर 26 नोएडा का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन वेंडर्स को उजाड़ने की प्राधिकरण की कार्यवाही पर तुरंत रोक लगवाकर उन्हें व्यवस्थित करने और उनकी लंबित मांगों समस्याओं का समाधान करवाने का अनुरोध किया। विधायक जी की अनुपस्थिति में उनके PA ने ज्ञापन लिया और बताया कि विधायक को अचानक लखनऊ जाना पड़ा है, वे जैसे ही नोएडा आएंगे तो यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को सूचना देकर वार्ता के लिए बुला लिया जाएगा और समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। वेंडर्स का नेतृत्व कर रहे गंगेश्वर दत्त शर्मा ने बताया कि प्राधिकरण की तानाशाही एवं रोजगार करने से रोकने के खिलाफ 12 अप्रैल 2022 को प्रातः 11 बजे से नोएडा प्राधिकरण कार्यालय सेक्टर 6 नोएडा पर फिर से धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर विधायक ने उक्त मसले पर हस्तक्षेप नहीं किया तो वे फिर बड़ी संख्या में विधायक कार्यालय पर आएंगे। यूनियन के अध्यक्ष पूनम देवी ने सभी वेंडर्स से 12 अप्रैल 2023 को नोएडा प्राधिकरण पर होने वाले प्रदर्शन में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है। प्रदर्शन को C2 नेता राम स्वारथ, लता सिंह वेंडर्स के प्रतिनिधि विनय कुमार, सुशील कुमार, मोतीलाल सुल्तान, सुभाष कल्लू, मनोज कुमार वर्मा, रमा शंकर पाल, ब्रजेश कुमार, संतोषी गुप्ता आदि ने संबोधित किया। नोएडा प्राधिकरण से प्रताड़ित वेंडर विधायक जी के कार्यालय पर है। विधायक जी के कार्यालय पे क्यों आए हैं? पथ विक्रेता कर्मकार यूनियन की अध्यक्ष पूनम जो बताएंगे कि इसलिए किसलिए जो विधायक जी के कार्यालय सब लोग आए हैं। साथियों, आज हम नोएडा के अंदर पंकज सिंह के यहाँ पे आए हैं, जो कि आप लोग सभी जानते हो हमारे पंकज जी। बहुत जगह इन्होंने रेहड़ी पटरी पे इंटरफेयर करा है, इन्होंने रेहड़ी पटरी के प्रकोप भी बनाए थे। हम कहना चाहते हैं आज नोएडा के अंदर जो अवैध वेंडर्स बताए जा रहे हैं वो अवैध नहीं है, वो वैध। उनका हक बनता है क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं दिया, ये प्राधिकरण की कमी थी। आज उन वेंडर्स को जो 20-20 साल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, उनका बिल्डोजर चला जा रहा है। ये कह के बिल्डोजर चलाया जा रहा है कि ये योगी जी के आदेश है, ये CO मैम के आदेश है। तो हम बताना चाहते हैं 2014 का जो कानून है आप सही तरह उसको पढ़ लीजिए। कानून के अंदर जो कानून 2014 में बनाए गए थे उसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि कमेटी, जो टाउन वेंडिंग कमेटी थी, वही तय करेगी कि कितना किराया लगाना है, कहाँ वेंडिंग जोन बनाना है, कहाँ नहीं बनाना है, किस वेंडर कोई वेंडर कहाँ पुराना है, कहाँ नहीं है, ये टाउन वेंडिंग तय करेगी। ये वर्ड सर्किल के कर्मचारी तय नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में राजधानी के अंदर, लखनऊ के अंदर 700-500 हजार किराया है, दिल्ली के अंदर 700-500 हजार किराया है। इन लोगों ने अंतरिम वेंडर जोन कमेटी जो बनानी थी, जो कानून का उल्लंघन हुआ, कोई कमेटी नहीं बनाई। जो इंसान कानून का उल्लंघन करता हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करता हो, इनकी अथॉरिटी के अंदर ही कानून बनाए जाते हैं। अगर कानून अथॉरिटी के अंदर बनाए जाते हैं तो 2014 में हाई कोर्ट ने क्यों लागू करा था? 2014 का जो कानून बनाया गया उसमें साफ तौर से सारी प्रक्रिया लिखी हुई है। विधायक जी कहाँ तो हैं? इन लोगों ने जो धोखा, जो छल करा है, आज 20,000 गंगेश्वर शर्मा, महामंत्री पद विक्रेता कर्मकार यूनियन, जिलाध्यक्ष CITU गौतमबुद्ध नगर, नोएडा प्राधिकरण द्वारा पथ विक्रेताओं को लगातार उजाड़ा जा रहा, उनको हटाया जा रहा, भगाया जा रहा, इसकी फरियाद लेकर के क्षेत्रीय विधायक माननीय पंकज जी के कार्यालय पर तमाम वेंडर्स जो है यहाँ पहुँचे हैं, उनको लिखित में ज्ञापन दिया है। विधायक जी यहाँ है नहीं,
अचानक लखनऊ चले गए थे रात, उनके पीए से बातचीत हुई है, उनको ज्ञापन दे दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक जी जैसे ही आते हैं वैसे ही आपकी प्रतिनिधिमंडल की वार्ता विधायक जी के साथ करा दी जाएगी और जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से जो है वो 30 को जो है वो करा दिया जाएगा। ये विधायक जी के यहाँ से जो है आश्वासन मिला है कि जैसे विधायक आते हैं यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत जो है उनके साथ कराई जाएगी। दूसरा, वेंडर्स की जो समस्याएं हैं इन समस्याओं को लेकर के 12 अप्रैल 2023 प्रातः 11 बजे से नोएडा अथॉरिटी पर बड़ा प्रदर्शन जो है वेंडर्स करने जा रहे हैं, क्योंकि कानून और संवैधानिक व्यवस्थाओं की धज्जियाँ उड़ा करके वेंडर्स को हटाया जा रहा है। ना नियम को माना जा रहा है, ना कानूनों को माना जा रहा है, ना प्रदेश सरकार के जो है दिशा निर्देशों को जो है नोएडा अथॉरिटी मान रही है। तो नोएडा अथॉरिटी की जो दादागिरी है, तानाशाही है, इस तानाशाही के खिलाफ और वेंडर्स को उजाड़ने के खिलाफ और वेंडर्स की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के 12 अप्रैल को नोएडा अथॉरिटी में फिर एक बड़े प्रदर्शन की जो तैयारी वेंडर्स कर रहे हैं और 12 अप्रैल को सभी वेंडर्स 11 बजे तक नोएडा अथॉरिटी में पहुंच जाएंगे और जब तक अथॉरिटी द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान करने का हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाएगा हम तब तक नोएडा अथॉरिटी पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। विधायक जी के यहाँ से जो हमें आश्वासन मिला है अगर उनके द्वारा हमारे साथ बातचीत होती है और इस मामले में वो हस्तक्षेप करते तो अच्छी बात है, नहीं तो हम दोबारा बड़ी संख्या में फिर विधायक जी के कार्यालय पर फिर दोबारा पहुंचेंगे। हमें उम्मीद है कि विधायक जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। शहर के तमाम पथ विक्रेताओं की ये समस्याएं हैं, उनकी मांगे हैं और वेंडर्स को उजाड़ा जा रहा है, सरकार के नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, तो विधायक जी को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। मगर नोएडा अथॉरिटी की CO सरकार के दिशा निर्देशों को या आपके दिशा निर्देशों को नहीं मानती है तो ऐसे अधिकारी को नोएडा में रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे अधिकारी को तत्काल हटाया जाए। इनकी जब तक समस्याएं हल नहीं होंगी तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। 12 अप्रैल को फिर नोएडा प्राधिकरण को हम घेरने जा रहे हैं और जब तक जो वहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए तमाम नियम और संवैधानिक व्यवस्थाओं को ताक पर रखकर नोएडा प्राधिकरण का बिल्डोजर गरीब रेहड़ी पटरी फुटपाथ के दुकानदारों को उजाड़ रहा है। लगातार उनके रोजगार पे हमले हो रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं करने दिया जा रहा है। नोएडा अथॉरिटी की कमेटी, उसके अधिकारी वेंडर का सामान उठा करके ले जा रहे हैं, वेंडर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उसके रेहड़ी को सामान को तोड़ दे रहे हैं या जब्त कर ले हैं। ये तमाम गैर संवैधानिक कार्रवाई नोएडा प्राधिकरण की चल रही है। शहर में 20,000 से ज्यादा वेंडर है, पथ विक्रेता अधिनियम को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। अभी मात्र जो है 4,4200 लोगों को लाइसेंस मिल पाया है, बाकी लोगों का नोएडा प्राधिकरण ने जिनका सर्वे कर लिया, सत्यापन हो गया या कोर्ट के माध्यम से भी बहुत सारे लोगों ने आवेदन किए, उन तमाम पथ विक्रेताओं को, सत्यापित पथ विक्रेताओं को भी नोएडा प्राधिकरण ने यह कहते हुए कि ये सब अवैध है सबको हटा दिया। नियम और कानून में व्यवस्था है कि जब तक वेंडर का सर्वेक्षण करके सत्यापित करके लाइसेंस देकर उन्हें वेंडिंग जोन नहीं दे दिए जाए तब तक उन्हें उनके मौजूदा स्थानों से नहीं हटाया जाना चाहिए। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए ASB न्यूज़।